हम अपना प्रयास जारी रखे हैं और आपका सरकार से भी मांग किए हैं और सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो उतने जल्दी यहाँ नगर निगम में नगरायुक्त को भेजा जाए ताकि शहर की समस्या दूर हो और हम डीएम से भी मिले, अपना प्रयास जारी रखे हैं। और आज भी हम बात किए आपका डिप्टी सीएम के वहाँ, तो आज भी बोले हम शाम तक बताते हैं मैडम। इधर लगभग देख रहे हैं करीब 1.5 महीने से शहर की हालत बहुत खराब है और जो भी गाड़ी, जैसे हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो भी नगर निगम की गाड़ी है सफाई की, वो डीजल के अभाव में वो नहीं चल पा रही है, जिसके वजह से पूरा शहर लग रहा है कि कूड़े के अंबार में खड़ा हो गया है। दूसरे क्या है कि अभी स्कूल भी खुल गया है और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, जिसके वजह से इस गंदगी की वजह से बीमारी फैलने का डर लगा रहता है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम जो यहाँ नगर आयुक्त का यहाँ कोई है नहीं, तो बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वो नगर आयुक्त को यहाँ भेजें, जिससे कि यहाँ की सफाई और भी जो भी काम है वो प्रॉपर ढंग से हो सके। मेरा नाम जीजा हुसैन हुआ, हम भागलपुर शिया वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी। इसे आप शहर नहीं कहिए, भागलपुर जो शहर है ये शहर नहीं है बल्कि ये नरक बन चुका है। जगह जगह कूड़े का अंबार है, नगर निगम सिर्फ नाम का नगर निगम रह गया है। लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन गया है, ये स्मार्ट सिटी कहीं पर से नज़र नहीं आता है। हम लोगों ने लाखों रुपया टैक्स देते हैं, वो टैक्स के बदले हम लोगों को मिलता क्या है? हर रोड पर हर गली में कूड़ों का अंबार लगा और यहाँ पर नगर आयुक्त भी नहीं है और जिसके वजह से विकास बाधित है, लोग परेशान हो रहे हैं और लोग परेशान हाल हैं। पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप शहरों की स्थिति देखिए, ना तो नियमित काम होता है, ना कूड़ा उठ रहा है और एक से एक उपकरण जो है जहाँ सिर्फ खरीदे गए हैं पैसे का लिस्ट दिखाने के लिए। और शहर की स्थिति यह है कि बद से बदतर स्थिति है और नगर निगम में पैसे और घुसखोरी का अड्डा चल रहा है, भ्रष्टाचार से लिप्त है नगर निगम। ना तो नगर आयुक्त की बहाली हो रही है और जो नगर आयुक्त आता है उसको ये लोग पार्षद लोग काम नहीं करने दे रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि शहर में आप कहीं भी चल नहीं सकते हैं। हर चौक चौराहे पर अंबार लगा हुआ है कूड़ा का, कोई सफाई नहीं है। यहाँ जो गाड़ियां चलती थी उसमें कंप्लेन करने पर कहा जाता है कि तेल खत्म हो गया है। क्या इसीलिए स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी? जिस शहर में कूड़ा नहीं उठ पा रहा है वो शहर क्या स्मार्ट बनेगा? इसलिए स्मार्ट सिटी के नाम पर फंड का बंदर बांट हो रहा है भागलपुर शहर में और बर्बाद करके रख दिए हैं नगर निगम के इन पार्षदों ने। मेरा नाम अनामिका शर्मा, प्रदेश महासचिव कांग्रेस सेवा दल। आते हैं सबों से पूरा यहाँ तक तिलकामांझी यूनिवर्सिटी पूरा आते हुए पूरा कचरा जाम रहता है, पूरी गंदगी फैली हुई है, इसके कारण नाक पे रुमाल लेके चलना पड़ता है। बीमारी का भी संभावना है, अभी तो हाल फिलहाल कोरोना से उठे हैं, गंदगी से बीमारी हो सकती है। तो हम तो नगर निगम से ही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द कचरा को साफ कराएं ताकि हम लोग स्वच्छ शहर में रह सकें, कि भागलपुर अब स्मार्ट सिटी हो गया है। हमारा नाम मुरारी मिलन अरुण। भागलपुर जो स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी में रखा गया था, कहीं पर से नजर ही नहीं आता कि वो स्मार्ट सिटी भी है, क्योंकि जिधर देखो वो कूड़े का अंबार है और गंद में हम लोग जी रहे हैं, जिससे वातावरण पूरे शहर का अपने खराब हो रहा, जो लोगों को कहीं ना कहीं चलने में ही प्रॉब्लम हो रहा। आप कहीं भी देखे कूड़ा का एक अंबार लगा हुआ है और न कर्मचारी ढंग से साफ सफाई कर रहा। इसको नगर आयुक्त अच्छे ढंग से देखे, अब भागलपुर को जो स्मार्ट सिटी में रखा गया उस ढंग से इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करे, ये मैं नगर निगम से अनुरोध करता हूँ। मोहम्मद सब्बीर कासिम है, जो मैं फाउंडेशन ऑफ न्यू एम्बिसू का प्रोपराइटर हूँ। गाड़ी में डीजल नहीं है, गाड़ी नहीं निकल रहा है, हम लोग काम करने के लिए तैयार है और तेल के कारण जो है काम नहीं हो रहा है। भाई बहादुरी भी कर रहा है, बोल रहा है कि तेल नहीं है तो कैसे गाड़ी निकलेगा। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर दास। क्या समस्या है नगर आयुक्त के नहीं रहने से? नगर आयुक्त के नहीं रहने के कारण वार्ड में कूड़ा उठाई नहीं हो रही है, डीजल बंद होने के कारण पूरे शहर गंदगी से पटा हुआ और गर्मी अभी आ रही है, पानी की भी गंभीर समस्या होने वाली है। कहीं कहीं मोटर खराब है, जिसके कारण वित्तीय पावर नहीं रहने के कारण मोटर सही को बहाल किया जाए ताकि शहर की जो भी समस्या है उससे छुटकारा मिल सके। देखिए खलीफाबाद चौक पर हमारा दुकान है,
कूड़ा के वजह से अब कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। 4-5 दिन से कूड़ा इसी तरह पड़ा है। बहुत परेशानी है, समस्या है। हम नगर पालिका से कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके कूड़ा का उठाव करें, सफाई करें। अनिश कुमार, यह है कि 10 दिन से यहाँ दुकान के बगल में गंदगी पड़ा हुआ है और हम लोग को परेशानी हो रहा है। नगर निगम से यही निवेदन है कि इसे साफ करवाया जाए। नंदलाल पंडित, समस्या है कि यहाँ नाला का व्यवस्था बहुत खराब है। नाला का पानी जाता है एकदम पूरा नाला का पानी भरा हुआ है गड्ढे में यहाँ पे, और प्लस दूसरा क्या रोड में पूरा कूड़ा भरा हुआ है। यहाँ का नहीं पानी का सप्लाई का वाटर का व्यवस्था ठीक से है, नहीं रोड का व्यवस्था ठीक है, नहीं नगर निगम का व्यवस्था ठीक है। हम क्यों टैक्स दें सरकार को? इसके मतलब क्या है कि हम लोग बेकार का टैक्स दे रहे हैं, किसी का व्यवस्था नहीं है। तो मेरा नाम डॉक्टर अमन कुमार,